वैसे तो भूकंप आता है प्राकृतिक आपदाओं से, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में आ रहा है आईआईटी मंडी के अधिकारियों के कुकर्म से। उसी की सीरीज में आज मैं एक बात आपको बताने जा रहा हूँ, हालांकि करप्शन से रिलेटेड नहीं है, वहीं आईआईटी मंडी से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं कुछ सवाल करूँगा, वो सवाल में हिमाचल से नहीं, मैं दिल्ली में बैठे एचआरडी मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधिकारियों से करूंगा। उनकी ओर से आज एचआरडी मिनिस्टर के चीफ सेक्रेटरी आर सुब्रमण्यम जी आईआईटी मंडी में पधार रहे हैं। सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश वासियों की ओर से और मेरे भाइयों की ओर से उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हिमाचल प्रदेश का वातावरण जरूर पसंद आया होगा, शुद्ध हवा है, पवित्र हवा। अगला मेरा जो सवाल है या जो मेरी आपसे डिमांड है, इसके बारे में गौर फरमाइएगा कि शुद्ध हवा, पवित्र हवा को जिस डिपार्टमेंट में आप आ रहे हैं, जिस आईआईटी में आप आ रहे हैं, उन्होंने इसको नजर लगा रखी है। मेरा सवाल सीधा सा आपसे ये है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं छोटे पद पर इंटरव्यू ना कराकर हम करप्शन को मिटाना चाहते हैं। आईआईटी मंडी से जब आरटीए में सवाल पूछा जाता है, क्या आप प्रधानमंत्री जी के इस कथन से सेटिस्फाई हैं, आप विश्वास रखते हैं कि छोटे पदों में इंटरव्यू करवा करके हम करप्शन को बढ़ावा दें? इनका सीधा सा कहना है, हम प्रधानमंत्री जी की बात का खंडन करते हैं, हम प्रधानमंत्री जी की बात को नहीं मानते, हम डीओपीटी की बात को नहीं मानते, इवन हम एमएचआरडी की बात को भी नहीं मानते, क्योंकि हम सर्वोपरि हैं, हम भगवान हैं, हमारे लिए जो कर्तव्य करता है वो है बीओजी। आर सुब्रमण्यम जी, मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है, एमएचआरडी के अंदर आता है आईआईटी मंडी, तो क्या आईआईटी मंडी के ऊपर एमएचआरडी के सर्कुलर को मानने के लिए कोई दबाव नहीं होता? क्या संविधान की कोई सी धारा इनको ये परमिट देती है कि आप डीओपीटी के नॉर्म्स, एमएचआरडी के नॉर्म्स, प्रधानमंत्री के विश को तीनों को वायलेशन करके आप सिर्फ बीओजी की बात माने? दूसरा सवाल, एमएचआरडी ने एक सर्कुलर भेजा कि किसी भी आईआईटी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी के तहत कोई भी प्राइवेट स्कूल रन नहीं कर सकता। जब इस बात का हमें पता चला, हमने आरटीए डाली, आरटीए से कोई जवाब हमें नहीं आया, लेकिन माइट्री स्कूल आईआईटी मंडी में पिछले एक साल से चल रहा है, क्या ये आपके आदेशों की अवहेलना नहीं है? क्या नियम का है तो कि धज्जे उड़ाने वाला एकदम कृत्य नहीं है? यहाँ भी ये बोलते हैं हमको इसके लिए बीओजी से अप्रूवल मिल गया। मेरा सीधा सा सवाल सुब्रमण्यम जी वापस आपसे है, क्या बीओजी देश के प्रधानमंत्री से ऊपर है? क्या बीओजी एमएचआरडी से ऊपर है? क्या बीओजी डीओपीटी से ऊपर है? क्या बीओजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऊपर है? किसके अंतर्गत आता है ये? कीड़ा कहां से आया है? बीओजी ये क्या चीज, बोर्ड ऑफ गवर्नर, क्या ये भगवान से भी ऊपर है? सुब्रमण्यम जी, आपके पास इतनी शिकायतें हमारी गई, आपने अभी तक एक भी शिकायत के ऊपर हमें अभी तक कोई जवाब नहीं दिया कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई चल रही है। सुब्रमण्यम जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे देश में 23 आईआईटी है और पिछले 5 सालों में 23 आईआईटी में 22,286 के लगभग, यानी 23,000 के अराउंड आईआईटीज और एनआईटीज दोनों मिलाकर के ग्रीवेंस रजिस्टर्ड हुई है। क्या आप इसके प्रति जिम्मेदार हैं और सेक्रेटरी हैं जो देश सेवा के प्रति कर्तव्य और निष्ठा का पालन करते हैं, तो क्या जवाब देना पसंद करेंगे? क्या आईआईटी मंडी के अधिकारियों से आप पूछेंगे वहां पे इतना करप्शन क्यों हो रहा है, क्यों डीओपीटी, एमएचआरडी, प्रधानमंत्री के नियम कायदों की, आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है? आप आईआईटी मंडी में आए हैं, वातावरण का आनंद लीजिए, लेकिन अपने देश के प्रति निष्ठा को व्यक्त कीजिए। आईआईटी मंडी से कड़े सवाल कीजिए, उनसे पूछिए कि क्यों आप लोग डीओपीटी, एमएचआरडी, प्रधानमंत्री की बात का जो नियम कायदे वहां से आते हैं उनकी अवहेलना करके सिर्फ बीओजी के नाम पर आप रेवड़िया बांट रहे हैं। इस वीडियो को मैं यही विराम देना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं आर सुब्रमण्यम जी आप मेरे सवाल का जरूर शीघ्र जवाब दें। धन्यवाद।